गुड एक्टिंग और बैड एक्टिंग इन नेचुरल एक्टर एंड फेक एक्टर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो आपके साथ बात कर रहे हैं वह गुड एक्टिंग और बैड एक्टिंग में नेचुरल एक्टर और फेक एक्टर की। सबसे पहले यहां समझेंगे कि नेचुरल एक्टिंग और फेक एक्टिंग यानी कि नकली एक्टिंग होती क्या है। नेचुरल एक्टिंग और फेक एक्टिंग जैसा कुछ नहीं होता है। अभिनय एक क्राफ्ट और कला है। अगर एक्टर अपने क्राफ्ट को जानता है तो उसका अभिनय प्रभावित करेगा आपको, और अगर कोई एक्टर क्राफ्ट को जानते हुए भी अच्छी एक्टिंग ना करे तो उसे आलसी कहेंगे। फेक नहीं, एक्टिंग कैरेक्टर को अब्सॉर्ब करने का खेल है। एक अभिनेता जितनी गहराई से कैरेक्टर को अब्सॉर्ब करता है उस पर उसकी एक्टिंग निर्भर करती है। आप सरबजीत फिल्म का उदाहरण ले, ये है किरदार को अब्सॉर्ब करना। जब फिल्म में जब आप एक्टर और किरदार में अंतर कर पाते हो फिल्म देखते वक्त, तो समझ जाओ कि किरदार में एक्टर घुसा ही नहीं और वो एक्टिंग बेकार है। ये फिल्म देखकर आपको लगेगा कि सबरजीत को देख रहे हो, एक पल ऐसा नहीं लगता कि वो रणदीप हुड्डा है। इन फिल्मों को देखकर दिखता है कि ये सलमान खान है, किसी को भी किरदार के बारे में कुछ पता नहीं होता है। ये फिल्म सिर्फ इसलिए चलती है कि इनमें हीरो होता है। जब अभिनेता हीरो बन जाता है तो उसके किरदार उस हीरो की छवि के आगे छुप जाते हैं। एक और उदाहरण देखो, अभी आई हॉलीवुड की फिल्म जोकर का। किरदार अच्छा हो या बुरा, अच्छी एक्टिंग आपके दिल को छू जाती है। इसलिए अभिनेता को अपने वातावरण से सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही ट्रेनिंग किरदार को समझने में मदद करती है। मेरा मानना है कि एक्टिंग एक क्राफ्ट है, और जब तक आप उसे सीखेंगे और समझेंगे नहीं, आप अच्छे अभिनेता नहीं बन सकते हो। नेपोटिज्म आपको फिल्म में काम दे सकता है, लेकिन वो अभिनय का क्राफ्ट नहीं सिखा सकता है। नेचुरल एक्टिंग मेन इरफान खान, मनोज वाजपेयी, के मेनन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, रणदीप हुड्डा, नसरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों का नाम आता है। वही फेक एक्टिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, सूरज पंचोली, हरमन बवेजा, जायद खान, तुषार कपूर, नेहा धूपिया, आतिया शेट्टी जैसे कलाकारों का नाम आता है। दोस्तों, हमें लगता है कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। जो जानकारी हमने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। कोई और वीडियो पर जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर इस तरह की और नाली जाके लेनी है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।